पर्टिकुलर ब्रांड का प्रोडक्ट जो मैं यूज कर रही हूँ उनके रिव्यूज मैं आज आपको शेयर करूंगी, और वो जो ब्रांड है वो है नन अदर देन वाओ स्किन एंड साइन। जैसे कि आपने शायद यूज किए होंगे या नहीं भी किए होंगे, मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि वाओ के प्रोडक्ट्स में क्या बेनिफिट होता है। इनके प्रोडक्ट जितने भी मैंने यूज किया उनके रिव्यूज मैं आपको देने वाली हूँ। तो हम जो फर्स्ट प्रोडक्ट यूज करेंगे वो हम एंटी एजिंग नाइट क्रीम यूज करेंगे वाओ की। लुक एट द पैकेजिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट, ये ऐसे पैकेजिंग में आते हैं ये प्रोडक्ट। ये जो क्रीम है वो है एंटी एजिंग नाइट क्रीम विद एलॉय जूस, शिया बटर, ऑलिव ऑयल, नो पैराबेंस एंड मिनरल ऑयल। इसमें कोई भी पैराबेंस और कोई भी मिनरल ऑयल नहीं है। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एयर लेस जार। इसकी जो क्वांटिटी है वो 50 ml है और इसका जो प्राइस है वो है 699 rupees। अगर कोई नायका पे डिस्काउंट चल रहा होगा वाउस के प्रोडक्ट पर तो ये आपको इजिली 600 to 650 की बिटवीन मिल जाएगी ये। अदरवाइज इसका जो MRP है वो 699 rupees है एंड मैंने इसे 699 rupees में ही परचेज किया है, कोई सेल में परचेज नहीं किया मैंने। और एंटी एजिंग क्रीम होती है उसके लिए ना लोगों को बहुत डाउट रहता है, कंफ्यूज रहते हैं कि एंटी एजिंग क्रीम जो है वो किस एज में हमें यूज करनी चाहिए। कोई सोचता है आफ्टर 30 यूज करनी चाहिए, कोई सोचता है आफ्टर 26 और 27 यूज करना चाहिए। बट आई विल टेल यू जो एंटी एजिंग की राइट एज होती है जब आपको यूज करना शुरू कर देना चाहिए एंटी एजिंग क्रीम इज अबाउट 23 or 24 years old। अगर आप 23 से 24 साल के हो चुके हैं या होने वाले हैं, 23 or 24 है, आपको एंटी एजिंग क्रीम यूज कर देनी चाहिए। बिकॉज क्या है, अभी जो जैसे कि हमारा एनवायरमेंट है, पॉल्यूशन बहुत है, इतने केमिकल्स हैं, हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, मेकअप यूज करते हैं, तो कोई भी मेकअप होगा वो नेचुरल तो होता नहीं है, मेकअप स्पेशली उनमें तो केमिकल्स होता ही है। तो हमारी स्किन इतनी डल होने लगी है, तो अगर आप सोचेंगे कि आप 30s में स्टार्ट करेंगे या 26 के हो जाएंगे तब स्टार्ट करेंगे तो सॉरी, वो बहुत डिले हो जाएगा। आप मतलब आपके पोर्स ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी स्किन लूज होने लगेगी, टाइटन नहीं रहेगी, वो ग्लो नहीं रहेगा आपकी स्किन पे, फाइन लाइंस आने लगेंगे, रिंकल्स आने लगेंगे। आप 30s में आपको इतना नहीं पता चलेगा, बट व्हेन 35 क्रॉस हो जाएगा देन यू थिंक कि यार इतने ज्यादा कैसे हो रहे हैं। तो ये उसी का रिजल्ट होगा कि अगर आपने 24 to 25 में यूज करना स्टार्ट कर दिया, 23, 24, 25 में भी यूज करना स्टार्ट कर दिया ना, तो आपको बहुत इफेक्ट लगेगा, आपको 35 में जाके फील होगा कि हाँ अभी भी आपकी स्किन काफी टाइटन है। तो एंटी एजिंग क्रीम हमेशा ऐसे आपको परचेज करनी चाहिए जिसमें पैराबिन नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, मिनरल ऑयल नहीं, मतलब मोस्टली नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए आपको एंटी एजिंग क्रीम में। तो वाओ की जो ये क्रीम है ना, इसमें भी एंटी यही क्वालिटी है, इसमें शिया बटर है, ऑलिव ऑयल है, अलॉय जूस है, तो ये आपकी स्किन को काफी हाइड्रेट रखता है। नाइट में आप इसे लगा के सो जाइए, आपकी मॉइस्चराइजर की भी जरूरत नहीं है आपको। अगर आपने इसमें लगाया शिया बटर है, अच्छे से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, अलॉय जूस है, आपकी स्किन को ब्राइटन करेगा, टाइटन करेगा, और ऑलिव ऑयल भी है। ऑलिव ऑयल तो आप लोग जानते ही है ना, ग्लो करने के लिए होता है, स्किन को टाइटन करता है, और उसमें कितने ज्यादा प्रॉपर्टीज होती है ऑलिव ऑयल में ये भी आप लोग जानते ही है। तो इसमें जो फैक्टर इसमें जैसे कि लिखा हुआ है कि रिगेन योर स्किन लॉस्ट वाओ फैक्टर, मतलब आपकी स्किन जो वाओ फैक्टर खो चुकी है उसे रीगेन करने के लिए आपको ये वाली क्रीम यूज करनी चाहिए। हेल्प फिल अप फाइन लाइंस, आपकी फाइन लाइंस को फिल करता है, हेल्प बूस्ट स्किन इलास्टिसिटी, हेल्प एज स्पॉट्स ब्लेमिशेस एंड एज स्पॉट्स को कम करता है, फेड करता है। बेस्ट पार्ट इज दैट कि कोई भी स्किन टाइप इसे यूज कर सकता है, ऐसा नहीं है कि कॉम्बिनेशन स्किन और ड्राई स्किन ही इसे यूज कर सकता है, बिकॉज इसमें शिया बटर है, ऑयली होगा, तो सॉरी ऐसा कुछ नहीं है। इसमें अलॉय जूस भी है जो ऑयली स्किन के लिए होता है, इसमें शिया बटर है जो ड्राई स्किन के लिए होता है, और ऑलिव ऑयल तो आपको पता ही है सारे स्किन टाइप के लिए होता है, चाहे वो एक्ने प्रोन हो, सेंसिटिव हो, कोई भी स्किन हो। तो बहुत अच्छी क्रीम है, मैं इसे यूज कर रही हूँ। इसकी जो पैकेजिंग है ना, अभी तो हमने इसका डिस्क्रिप्शन सुन लिया कि ये किस किस लिए होती है, अब आती है इसकी पैकेजिंग। लुक एट द पैकेजिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट, काफी क्यूट पैकेजिंग में आती है। ये इसका ऑथेंसिटी का लोगो है यहाँ पे कि 100% ऑथेंसिटी है इसमें। आप इसको स्कैन करके QR कोड पे भी इसको आपको QR कोड पे से स्कैन करेंगे आपको पता चल जाएगा। मैं
मैं ओपन करके दिखाती हूँ। इसका जो बॉटल है आपको, मेरा बहुत ओवर हो गया अभी, पता नहीं एक दो पंप में निकलेगा शायद। इसको आपको ऐसे ऐसे, आपको ऐसे ऐसे प्रेस करना है, देन वो निकलेगी। अभी मैंने जैसे बताया, मैं 2 to 3 months हो गया दिखे, अब निकली है। 3 to 4 times मैंने पंप किया है, देन वो निकला है। ऑब्जर्व हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ऑयली स्किन को भी, ऐसा नहीं है, ऑब्जर्व हो जाएगी काफी। फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है इसकी। अब मैं इसको, मेरी बहुत ओवर हो गई है, मैंने बताया आपको, पता चल जाएगा। देखिए मैं यूज कर चुकी हूँ, ये ऐसे भी ओपन होती है आजकल, जब पंप से नहीं निकल रही है तो मुझे ऐसे लेके इसे ओपन करके, स्पेशली ऐसे मेरे को लेके अप्लाई करना पड़ रहा है इसको। बहुत अच्छी क्रीम है ये, एक्सपेंसिव बिल्कुल नहीं है। एंटी एजिंग में इतना तो आप अफोर्ड करना ही पड़ेगा, इन्वेस्ट कर लीजिए एंटी एजिंग में। अगर आप 23 टू 24 ईयर्स ओल्ड हैं तो प्लीज इन्वेस्ट कर लीजिए, आप 30s का वेट नहीं कीजिए। ओके, अब जो मेरा सेकेंड प्रोडक्ट है वो है, जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए, दिस वन एप्पल साइडर विनेगर। ये भी वाओ का है, ऑर्गेनिक है, आपको इसकी क्वांटिटी से पता चल गया होगा। मैंने 1 month से ज्यादा हो गया है मुझे इसे यूज करने, कभी कभी स्किप हो जाता है, मैं भूल जाती हूँ तो कभी कभी स्किप हो जाता है। तो इसमें आपको इसके जो बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपको पता है ये वेट लॉस में काम आता है, ये आपको पता है, बट इसमें और भी बेनिफिट्स हैं जो आपको शायद नहीं पता, वो मैं आपको बता देती हूँ। मैनेज वेट फर्स्ट है जो इसका मेन पॉइंट है, देन आपका मैनेज करता है ब्लड शुगर को। अगर आपको डायबिटीज का इशू है या ब्लड शुगर का इशू है तो वो आपको मैनेज करेगा, बैलेंस करेगा। थर्ड इज कोलेस्ट्रॉल लेवल को आपको बैलेंस करेगा, बूस्ट डाइजेशन, आपका डाइजेशन सिस्टम को बूस्ट करेगा, देन इम्यूनिटी आपकी बूस्ट करेगा, नरिश हेयर एंड स्कैल्प। अगर आप इसको आपके सैलेड में यूज करें, अगर आप हेयर पे भी अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसे ना, ये नहीं है सिर्फ आपको ड्रिंक करना है या सैलेड में यूज करना है, ऐसा कुछ नहीं है, आप इसे अपने ऑयल में मिला के स्कैल्प पे भी लगा सकते हैं, आपके हेयर्स को नरिश करेगा बहुत अच्छे से। तो इसके 5 to 7 बेनिफिट्स हैं इसके, बट मेन जो है, जिस पर्पज से मैं इसे यूज कर रही हूँ वो है नरिश हेयर एंड स्कैल्प। मेरे हेयर्स बहुत ड्राई हैं तो मैं इसको यूज करती हूँ, हर वीक यूज करती हूँ अपने ऑयल में, ऑलिव ऑयल में मैं इसे मिक्स करके देन अपने स्कैल्प पे लगाती हूँ, इसे छोड़ देती हूँ ओवरनाइट, देन मैं इसे वॉश ऑफ कर लेती हूँ। तो मुझे, और कभी कभी जैसे नहीं है टाइम तो मैं थोड़ा 15 to 30 minutes पहले इसे अप्लाई कर लेती हूँ, देन मैं वॉश ऑफ कर देती हूँ फेस, सॉरी हेयर्स, तो काफी अच्छा लगता है उस टाइम। और मेरी डैंड्रफ वगैरह का इशू होता है तो उसे भी वो रिमूव करता है। सेकंड, मैनेज वेट, अगर आप इसे सैलेड में यूज कर रहे हैं, अदरवाइज अगर आपको एम्प्टी स्टमक, आपको वाटर लेना है फुल ऑफ ग्लास, 1 glass ऑफ वाटर, देन आपको 1 tablespoon आपको लेना है एंड 1 full glass ऑफ वाटर आपको लेना है और इसे पीना है एम्प्टी स्टमक। आप अगर पियेंगे ना, 1 month भी पियेंगे इसे और आप डेली 1 week आप अपना वेट को चेक करते रहेंगे तो आपको डेफिनेटली फर्क पता चलेगा कि ये बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आप वेट का इश्यू है आपको, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो बेस्ट प्रोडक्ट है। वैसे मैंने बहुत सारी वीडियोज में देखा है ये एक्ने के लिए भी बहुत अच्छा होता है, लोग अपनी स्किन पे भी ट्राई करते हैं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया तो मुझे आइडिया नहीं है। अगर आप लोगों ने ट्राई किया तो प्लीज आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं कि इसे कैसे यूज करते हैं एक्ने, अगर आपकी एक्ने स्किन है तो उस पर। अब मैं इसका प्राइस बता देती हूँ, इट्स 899 इसका MRP है, बट ये मुझे 499 rupees का मुझे मिला था नायका पे, शायद उस टाइम सेल चल रही थी जब मैंने इसे परचेज किया था, बिकॉज 3 to 3 months हो चुके हैं मैंने इसे परचेज किया हुआ, तो मे बी उस टाइम कोई सेल चल रही हो तो मैंने परचेज किया था, तो ये मुझे 499 का पड़ा था, तो काफी रीजनेबल पड़ गया, 500 rupees का पूरा, 750 ml का, 1 liter नहीं है ये, 750 ml है ये, तो 750 ml का मुझे ये मिला है। तो मुझे वाओ का, जो बहुत सारे ब्रांड के आते हैं आप यूज कर सकते हैं, बट बेटर है ना कि ऐसी ब्रांड से यूज करें जिसमें आपको प्योरिटी का एक सर्टिफिकेट मिल रहा हो कि ये जो प्रोडक्ट है इसमें प्योरिटी, आपको श्योरिटी हो जाए कि इसमें एक प्योरिटी है और आपकी हेल्थ को कोई भी, इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा इसे। तो वाओ का प्रोडक्ट के साथ यही बेस्ट पार्ट है, जैसे कि उस क्रीम में भी था एंटी एजिंग, इसमें भी है, आपको इसका QR कोड मिल रहा है, स्कैन करके इसको चेक कर सकते हैं प्योरिटी का, ये फॉर ऑथेंटिसिटी के लिए है, ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन गारंटीड। ओके, अब जो हमारा थर्ड एंड फोर्थ प्रोडक्ट है वो एक कॉम्बो प्रोडक्ट है,
वाओ स्किन साइंस एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू एंड वाओ स्किन साइंस हेयर कंडीशनर ऑर्गेनिक वर्जिन कोकोनट ऑयल एंड अवोकाडो ऑयल. लुक एट दी पैकेजिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट. ये ऐसे मिलता है, इसमें कुछ बॉटल नहीं है, मैं यूज कर चुकी हूँ. ये भी ये जैसे मैंने आपको बताया था 3 months पहले मैंने परचेज किया है, ये भी मैंने 3 months पहले परचेज किया है. ये जो शैम्पू है वो है स्ट्रॉन्ग एंड स्मूथ एंड ग्लॉसी हेयर के लिए. जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है मेरे ड्राई हेयर है, बहुत कर्ली हेयर है और बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो उसके लिए मुझे ये वाला शैम्पू बहुत अच्छा लगा. मैं आपको शैम्पू दिखाती हूँ. फर्स्ट पहले मैंने ये सिंगल बॉटल मंगाया था विदाउट एनी कॉम्बो. देन उस टाइम ये मुझे अराउंड जो इसका जो प्राइस था वो मुझे आई थिंक 499 और 5 ऐसी कुछ 500 के अराउंड मुझे इसका सिंगल प्राइस पड़ा था. बट जब मैंने कॉम्बो में मंगाया ना तो ये मुझे अराउंड 700 और 600 मिला. तो आई थॉट कि कॉम्बो इज बेटर, कि मुझे 300 का एक प्रोडक्ट पड़ गया. तो ये मेरी सेकेंड बॉटल है जो आधी यूज हो चुकी है, शायद आप उसमें दिखेगा नहीं बट आधी यूज हो चुकी है, ये देख सकते हैं. अब बहुत अच्छा है, इसकी फ्रेग्रेंस भी अच्छी है. बस इसका जो एक पॉइंट है जो मुझे पसंद नहीं है वो ये है कि बहुत देर में ऑयल निकालता है. आप इसे अप्लाई करेंगे एक वॉश में आपको फीलिंग ही नहीं आएगा कि आपने शैम्पू किया है, बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आएगा. जैसे आप पैंटीन यूज कर रहे हैं, सनसिल्क यूज करें या कोई भी अदर ट्रेसेमे वगैरह लॉरियल वगैरह यूज कर रहे होंगे, आपको फीलिंग आता होगा. इसलिए अगर आप यूज कर रहे हैं ना, आपको फीलिंग नहीं आएगा कि आपने हेयर वॉश किया है. काफी स्टिकी हो जाता है, बिकॉज एज सच इसमें लिखा है ये ग्लॉसी फॉर्मूला है, तो आपके बालों को ना काफी स्टिकी स्टिकी फील करा देता है. बट हाँ, जिस दिन आपने ये किया और आप पिक्चर देखेंगे, आपके हेयर एकदम ग्लॉसी फिनिश देंगे, एकदम शाइन देंगे. आपको कोई सीरम अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. आप ये यूज कीजिए, इसके साथ ये कोकोनट कंडीशनर यूज कीजिए. इसकी स्मेल ऑसम है, कोकोनट की, प्योर कोकोनट की स्मेल है. मेरा फेवरेट है ये कंडीशनर. कंडीशनर मैं हमेशा यही यूज करती हूँ. अगर मैं ये शैम्पू यूज नहीं कर रही हूँ, पैंटीन भी यूज कर रही हूँ, बट कंडीशनर मैं यही यूज करती हूँ. मेरा ऑल टाइम फेवरेट कंडीशनर है ये. इनफैक्ट आपके हेयर कलर भी किया हुआ है आपने, तो आप उसमें भी यूज कर सकते हैं. इसमें लिखा हुआ है सेफ फॉर हेयर कलर ट्रीटेड हेयर ऑल्सो. तो ऐसा इशू नहीं है कि आपने हेयर कलर कराया हुआ है तो आप ये वाला कंडीशनर नहीं यूज कर सकते, आप कर सकते हैं डेफिनेटली. और इसमें भी है, ये आपके थिन वीक और डैमेज हेयर को प्रोटेक्ट करता है, उनको नरिश करता है. आपके स्प्लिट एंड्स है, वीक हेयर है और डैमेज हेयर है, तो उन्हें प्रोटेक्ट करता है. दूसरा, नो पैराबेन्स एंड नो मिनरल्स ऑयल, नो सिलिकॉन. तो ये शैम्पू बहुत अच्छा लगा मुझे, कंडीशनर बहुत अच्छा लगा मुझे. मैंने इसको अराउंड कितनी बार, मैंने बहुत अनलिमिटेड टाइम यूज किया, मैं काउंट नहीं कर सकती. जब भी हेयर वॉश किया मैंने इसे जरूर यूज किया है. तो ये तो हाईली रिकमेंड है कि आप कोई भी शैम्पू यूज करें, कंडीशनर आप इसे यूज कर सकते हैं, एक ट्राई दे सकते हैं इसे. बट हाँ, हाईली रिकमेंड दिस कंडीशनर, और इसको एक ट्राई बनता है. अगर आपको सूट करता है तो करिए, मैं तो करती हूँ. एक बार इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. आपका इसका जो मैंने आपको एमआरपी बताया था ये 994 का है, बट नहीं, मुझे 700 समथिंग का मिल गया था नाइका पे. मे बी उस टाइम कोई सेल चल रहा होगा, मुझे ऐसा याद नहीं है, बट मुझे मिल गया था. तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. इस वीडियो में मेरे पास वाओ के इतने ही प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने यूज किया. अभी वाओ की मैंने कोई और कोई क्रीम या फिर और कोई फेस मास्क वगैरह यूज नहीं किया. डेफिनेटली अगर मैं कुछ परचेज करती हूँ, अगर आप भी मुझे कमेंट कीजिए, अगर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट है वाओ का जो मुझे यूज करना चाहिए, तो मैं जरूर उसको यूज करके आपको आप सबको रिव्यू दूंगी. तो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन. बाय.